का DRS यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम का जलवा हमें एक बार फिर से मैदान पर देखने को मिला, जहां अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। इससे पहले आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का बेस्ट कप्तान, फिनिशर और बेस्ट विकेटकीपर मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि धोनी और चेन्नई की एक अलग ही प्रेम कहानी है, किसी फिल्म की तरह फेमस, रोमांचक और ऑल टाइम हिट। जी दोस्तों, हमें ये शानदार मोमेंट चेन्नई और लखनऊ के बीच खेले गए 39वें मुकाबले में देखने को मिला। धोनी आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने आए और स्टेडियम में हलचल मच गई। उन्होंने एक चौका भी लगाया, लेकिन वायरल मोमेंट तो तब हुआ जब CSK गेंदबाजी कर रही थी। तुषार देशपांडे द्वारा फेंके गए 13वें ओवर आखिरी गेंद को अंपायर ने वाइड का इशारा करार दिया, लेकिन उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ गया। जी दोस्तों, दरअसल शतक वीर मार्कस टोइनिस क्रीज पर थे और उनके सामने गेंद फेंक रहे थे तुषार देशपांडे। गेंद जैसे ही बल्लेबाजी के बगल से निकली तो अंपायर ने दोनों ही हाथ हवा में वाइड का इशारा करते हुए लहरा दिए। इस पर धोनी ने तुरंत ही DRS का इशारा किया। उनका इशारा करना कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के फैसले से कहीं अम होता है। अंपायर को रिव्यू करना पड़ा और थर्ड अंपायर ने फिर अंपायर को अपना फैसला बदलने के लिए कहा। मार्कस टोइनिस बस मैदान पर देखते ही रह गए। अंपायर का फैसला बदलते ही सोशल मीडिया पर धोनी रिव्यू सिस्टम मीम्स